तो भाई लोग, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि कैप्टन अमेरिका 4 का टीजर आ चुका है एंड भाई मैं इस मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड हाँ, आज इसीलिए मैं इस मूवी के टीजर का रिएक्शन भी कर रहा हूँ एंड ये काइंड ऑफ मेरा फेस रिवील भी हो जाएगा। तो तुम लोग नीचे कॉमेंट में जरूर बताने कि तुम्हें मेरा चेहरा कैसा लगा। आई नो ये काफी डम क्वेश्चन है, तो हम इन सारी बकवास बातें को साइड करते हैं एंड सीधा टीजर की तरफ बढ़ते हैं एंड रिएक्शन देते हैं। भाई मुझे इस मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीद है एंड मुझे इस मूवी से सरप्राइजेस की भी बहुत ज्यादा उम्मीद है। So, देखते हैं मैं टीजर से क्या पता चलता है अभी। सो 1 2 3 स्टार्ट। ओके भाई, गेट खुला। विल्सन, हमारे नए कैप्टन भाई, आने के लिए शुक्रिया। थैंक्स कि आपने मुझे याद किया। सच कहूं आपको बिना मूंछों को देखने की आदत नहीं है। मुझे कहा मूंछें हटाओ या फिर कुर्सी से हट जाओ। देखो विल्सन, माना हमारे बीच कभी थोड़ी अनबन रही है, पर अब मैं कैप्टन अमेरिका को दोबारा मिलिट्री में ऑफिशियल पोजीशन दिलवाना चाहता हूँ। और अगर किसी मोड़ पर हमारी सोच ना मिल पाए तो क्या? सड़ोगे भाई। तुम हाथ तो मिलाओ सैम। ये थोड़ा पॉलिटिकल मूवी जा रहा है, थोड़ी पॉलिटिक्स होने वाली इस मूवी में। सब मेरे को लगता है अभी तक का टीजर देखते हैं। ओ भाई, फेल लिया भाई। सर, दुश्मन आपके घर में बैठा है, या तो आपको दिख नहीं रहा है या आप देखना नहीं चाहते। ये जाल हुआ तो तख्ता पलटने वाला। भाई अपने कैप्टन भाई सूट में, और तुम बस एक मोहरा हो। वही मैंने कहा ना, ये तो पॉलिटिक्स भर भर के होने वाला है इस मूवी में। ऑब्वियसली एक्शन तो रहेगा। तुम भले ही कैप्टन अमेरिका हो लेकिन तुम स्टीव रॉजर्स नहीं। ओ भाई, ये तो एकदम दिल पे लगने वाली बात बोल दी भाई। सही कहा आपने, मैं नहीं हूँ। भाई तुम हमारे फैन का हो। वर्ल्ड ऑर्डर। ओह भाई, ये क्या दिखा दिया यार? हल्क? ये हल्क था ना? कौन सा हल्क था ये? लेट मी वॉच अगेन। भाई ये अपना लाल हल्क है भाई, ऐसा खुश मत होना। ये अपना ब्रूस बैनर वाला हल्क है, ये अपना लाल हल्क है। बट भाई क्रेजी भाई, इस मूवी में भाई हमारे हल्क होने वाले हैं, तो क्या होगा मुझे खुद समझ नहीं। जैसे कि मैंने तुम लोग बोला था कि इस मूवी से हमें सरप्राइजेस मिल सकते हैं एंड इन्होंने एक छोटा सा सरप्राइज हमें टीजर में ही दिखा दिया, तो तुम लोग सोचो कि मूवी में क्या क्या देखने को मिल सकता है। ऑल्दो ट्रेलर अच्छा था, अब ये ऑलमोस्ट 8 महीने पहले ये ट्रेलर डाल रहा है, क्योंकि ये मूवी अराउंड 14 फरवरी को आने वाली है एंड भाई अभी तो जुलाई चल रहा है, इन्होंने अभी ही टीजर डाल दिया। ऑल्दो ट्रेलर टीजर अच्छा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत खराब था, मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये लोग धीरे धीरे शायद फील बनाना चाह रहे हैं कि भाई हमारा कैप्टन अमेरिका वापस आ रहा है। सो देखते हैं कैसा जाता है। मुझे ये टीजर काफ़ी अच्छा लगा एंड इस पे बात करनी तो बनती है, क्योंकि भाई जो लास्ट में सीन दिखाया है उस पे तो कुछ ना कुछ बोलना बनता है, कुछ थ्योरी आनी जरूरी है। तो वीडियो को यही एंड करते हैं एंड आई होप यार तुम लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आया है, एंड अगर पसंद आया तो यार मुझे जरूर बताना, मैं ऐसी वीडियो और बनाऊंगा, अदरवाइज बंद कर दूंगा भाई बनाना, क्योंकि भाई एक व्यूज पे मैं क्या ही बनाऊ। सो चलो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।